यो व्हाट्स अप बढ़िया, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। यार आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली क्योंकि मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज, वो भी इस आइलैंड पे। यहाँ पे मेरे पास रिसोर्स के नाम पे बस एक ही पेड़ है जो कि मेरा सहारा देगा एंड तक। इस आइलैंड के आसपास पूरा ओशियन है तो मेरे यहाँ पे यार तीन यहाँ पे टास्क होंगे, एक वेंडर ड्रैगन को मारना, एक फुल डायमंड आर्मर बनाना और तीसरा टास्क बहुत ज्यादा क्रेजी है जो कि आपको वीडियो में आगे ही पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं था सबसे पहले क्योंकि मैं अभी जस्ट स्पॉन हुआ था एंड यहाँ पे मेरे पास एक पेड़ था, इसको मैंने पूरा का पूरा काट दिया एंड यहाँ पे मेरे को सैपलिंग्स चाहिए थी। मैं डर रहा था कि ऐसा ना हो कि यार पूरा मेरा पेड़ काट दो और मेरे को एक भी सैपलिंग्स ना मिले, बट यहाँ पे मेरे को एट दी एंड दो सैपलिंग्स मिल गए। इस दोनों को उसी के नीचे लगा दिया और मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है, यहाँ पे एक शुगर केन है मेरे आइलैंड पे जो कि आगे जाके मेरी बहुत हेल्प करने वाले हैं। और ये क्या भाई, मेरे को यहाँ पे एक और शुगर केन दिख गया जिसके अंदर दो है तो इसको भी मैं यहाँ पे प्लांट कर देता हूँ। अभी सबसे पहले मेरे को एक बेड बनाना था और अपने खाने पीने का जुगाड़ करना था क्योंकि यार यहाँ पे रात जो है मैं बिल्कुल भी नहीं सह पाऊंगा क्योंकि यार यहाँ पे मेरे पास कुछ है ही नहीं। यार यहाँ पे मतलब एक वुड बस मेरे पास तीन है जिस वुड में मैं पिकैक्स वगैरह बना सकता हूँ और ये रात को मैंने स्किप करने का सोचा इसलिए मैंने एक गड्ढे को डिग करा है। यहाँ पे मैंने जो स्टोन वगैरह अंदर से कलेक्ट करे अपने लिए टूल और अपने आप को अपग्रेड कर लिया, बट ये रात मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट और बर्बाद गई थी। यहाँ पे मेरा डे वन जो है वो कंप्लीट हो गया था, डे टू शुरू हो गया था और यहाँ पे सुबह हो गई थी। जैसे ही मैंने सुबह उठ के देखा तो यहाँ पे मेरे को एक बॉन्डरिंग ट्रेडर देखने को मिला जो इसका अभी तक कोई भी काम नहीं है और यस ये क्रीपर फट गया। मुझे पता है मैंने बहुत नूब वाली हरकत करी है यहाँ पे और जो लोग भी भाई ये क्रीपर के गड्ढे को भरते नहीं है नरक में जाओगे, बता रहा हूँ मैं, पूरा भरा करो इसे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगे यहाँ पे इतने जानवर स्पॉन नहीं हो पाएंगे तो इसलिए जल्दी से मैंने एक हो बना लिया जिससे कि यहाँ पे मैं फार्मिंग वगैरह कर सकूँ। एंड मेरे पास एक सीड पहले से ही थी तो मैंने सोचा यहाँ पे जितनी भी घास फूस है सबको यहाँ पे हटाया जाए। तो थोड़ी और ग्रास वगैरह तोड़ने के बाद मेरे को यहाँ पे एक सीड और मिली। यहाँ पे यार बहुत सारी ग्रास थी मगर सीड हर किसी में नहीं मिल रही थी, जगह भी छोटी थी। जब हमारे पास बोन मील आ जाएगी तब तो यार यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा एंड लेकिन मैं अभी स्केलेटन वगैरह से लड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास आर्मर वगैरह कुछ भी नहीं है और ये जगह भी ऐसी है कि यहाँ पे यार कोई मतलब ओर वगैरह है ही नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने शुगर केन देखने आया था लेकिन तब भी मेरे को एक बहुत ज्यादा तगड़ी चीज दिखी। मेरे को लगा कि वो कोई आइलैंड है, कोई पत्थर है या फिर कुछ और है, लेकिन जैसे ही मैं उसके पास गया वो निकली एक शिपरैक और मैं शिपरैक के अंदर गया तो वहां पे बिल्कुल एक ही चेस्ट थी, यानी और कुछ था ही नहीं। जैसे ही मैंने उस चेस्ट को खोला तो वहां पे मेरे को मिला एक ट्रेजर मैप और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल गई, वही तो एकदम तगड़ी बात थी। लेकिन यार यहाँ पे एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो ट्रेजर मैप था इसकी कोई जरूरत थी नहीं क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कॉर्नर में दिखा रहा हूँ, कॉर्नर पे बहुत ही ज्यादा दूर है यानी कि मेरे को चल के जाना पड़ेगा, तो मेरे को बहुत ज्यादा दूर चल के जाना पड़ेगा तब ये जाके आएगा, लेकिन उतने में इतना मेरे पास टाइम है नहीं, बस 100 डेज है। यस तो अब मैंने दो ब्लॉक कर करके स्टेट डिकडाउन करना शुरू कर दिया किया ताकि यार मेरे को अपने घर के नीचे कोई केव वगैरह मिल जाए और मिल जाती तो यार बहुत अच्छा होता, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। मैं सोच रहा नेक्स्ट टाइम जाऊंगा बट मेरे को यहाँ पे कोल मिलना शुरू हो गए थे तो मैंने थोड़ा और स्टेट डिकडाउन करा लेकिन मैं वापस ऊपर आ गया। हाँ मेरी फट रही थी बहुत। लकड़ी इकट्ठा करने के बाद मैंने पौधों को वापस लगा दिया। अपने लिए कुछ यहाँ पे टूल्स वगैरह मैंने बना लिए जैसे कि लकड़ काटने वाली भी और पत्थर तोड़ने वाला ये मैंने बोल, और बस यही सब करके मैं चला गया अपनी केव में दोबारा कुछ ढूंढने के लिए ताकि मेरे को डायमंड्स मिल जाए। लेकिन तुम लोगों को पहले से ही बताया कि माइनक्राफ्ट से मेरी पुरानी दुश्मनी चल रही है, जो मैं चाहता हूँ वो ये कभी करता ही नहीं है। पर चिंता मत करो गाइस, यहाँ पे माइनक्राफ्ट ने अपने औकात दिखाने के बाद मेरे को जो है आयरन देना शुरू कर दिए थे मेरे को, तो मैंने सोचा क्यों ना अब गहराइयों में चलने का वक्त आ चुका है और मैं इनसे बिल्कुल भी मजे नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरे पास अभी बिल्कुल भी आर्मर वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं सेफली लड़ूंगा। मगर तुम्हें सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बिल्कुल भी सेफ नहीं रहना, उसको तोड़ दो जाके। अरे यार जाना यार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। यहाँ तक करते करते मैं आ गया था थोड़ी केव की और गहराइयों एंड यहाँ पे मिले मेरे को अपने को पहले दो डायमंड। यहाँ पे मेरे को पहले दो डायमंड मिले थे लेकिन मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं थी तो मैंने जल्दी जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बनाई। क्राफ्टिंग टेबल में मेरे पास यार वुड थी, मैंने सोचा कि यार दोबारा ऊपर जाना पड़ेगा, बट यार जब तक मेरे जो आयरन वगैरह वो स्मेल्ट वगैरह हो रहे थे लेकिन तब तक मैंने यहाँ पे और स्मेल्ट करे आयरन, लेकिन इस बार मैं लालच में नहीं था क्योंकि मैंने सोचा कि यार अगर यहाँ मर गया तो मेरे को मेरा सब कुछ चला जाएगा, तो भाई मरना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन यार मेरे को डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था, मैं यही सोच रहा था कि ज़ॉम्बी वगैरह आ जाए तो उन्हें तो संभाल लूंगा लेकिन अगर इस बार बेबी ज़ॉम्बी वगैरह आ गया तो मैं उसको नहीं संभाल पाऊंगा क्योंकि बेबी ज़ॉम्बी अगर आ गया तो मतलब उससे बिल्कुल ही फाइटिंग करनी पड़ेगी यार, दिक्कत बहुत बढ़ जाएगी। अब मेरे पास इतने आर्मर हो चुके थे कि मैं आयरन आर्मर के आसपास पहुंच गया था, बट मेरे को यहाँ पे डायमंड की खोज थी क्योंकि यार मेरे को डायमंड है ना लालच सी होती क्योंकि यार डायमंड अगर तुम्हारे पास एक बार आ गया ना तो तुम उससे कई सारे डायमंड ले सकते हो। मैंने सोचा फॉर्चून वगैरह क्या ही बनाऊंगा, लेकिन हाँ जो अभी मेरे पीछे ज़ॉम्बी वगैरह आए थे ना तो उससे मैंने एक आइडिया ले लिया। देखो यार एक और दो डायमंड मेरे को यहाँ पे मिले तो देखो यहाँ से मेरे को एक आइडिया मिला, जो दो भी आ रहे हैं ना तो मेरे को बिल्कुल तगड़ा वाला आइडिया मिला कि मैं पहले गोल्ड इकट्ठा करूंगा, गोल्ड इकट्ठा करने के बाद मैं एक पोशन बना लूंगा नेदर वगैरह जाके, और जो दो विलेजर मेरे को दिखे थे ना ऐसे विलेजर तो स्पॉन होते रहेंगे तो उन विलेजर के साथ मैं क्या करूंगा उनको क्योर वगैरह करके एक दो विलेजर कर लूंगा एंड बस भाई हमारा यहाँ पे ट्रेडिंग फार्म वगैरह ही बन जाएगा जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा आसानी होगी एंड ड्रैगन को मारने के लिए क्योंकि यार मेरे को मरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं एंड में जाके मरा तो भाई मेरा सब कुछ ही खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे मेरे को दो टर्टल के बच्चे देखने को मिले जो कि यार बहुत ज्यादा तगड़े थे। यहाँ पे इनको बचाने की कोशिश करी मैंने, और यहाँ पे जो मेरे पेड़ थे वो भी बहुत ज्यादा जल्दी उग रहे थे। अब मेरे पास यहाँ पे ट्री की कमी नहीं होने वाली थी। अब मेरे को ऐसे लग रहा था कि अब मेरे को सैपलिंग्स वगैरह की कमी नहीं पड़ने वाली है। शुगर क्वेन ये मेरा अच्छा खासा उग रहा था। तुम्हारे भाई ने यहाँ पे डे 7 तक सर्वाइव कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास कुछ डायमंड और पूरे के पूरे आयरन, और यहाँ पे मेरे पास अभी वुड की कमी है क्योंकि यार बार बार मेरे को वुड लेने के लिए ऊपर आना पड़ रहा है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत रिसोर्स इकट्ठा करे। रात को मैं यहाँ पे जागा भी, बट जब मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरे से नहीं हो पाएगा तो मैं केव में जाके अपनी पूरी रात गुजार कर आया। और यहाँ पे जो डे 8 है मेरा स्टार्ट हो चुका है एंड यहाँ पे सुबह हो गई थी इसलिए मैं ऊपर आ गया। ऊपर आते ही मैंने सबसे पहले अपना बेस को थोड़ा बहुत ठीक करा। यहाँ पे मैंने एक शवल बनाई जिससे कि मैंने जो आसपास की सैंड और डर्ट वगैरह है उसको थोड़ा यहाँ पे कलेक्ट करके प्लेन करने की कोशिश करी, और कोशिश करी कि डर्ट को मैं ज्यादा फैला सकूँ क्योंकि यहाँ पे काव वगैरह स्पॉन नहीं हो रही थी। काव वगैरह स्पॉन नहीं होगी तो मेरे को यहाँ पे फूड की कमी बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से पड़ने वाली थी एंड मैं बहुत ज्यादा भूखा मरने वाला था। तो मैंने क्या करा कि यार यहाँ पे मैंने सबसे पहले डर्ट वगैरह को कलेक्ट करा एंड पूरे में डर्ट लगा दी। और यार तुम्हें तो यहाँ पे 2 मिनट में दिख रहा होगा बट मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरा डर्ट का भी कंप्लीट हो चुका है। तो यार ये मेरे को यहाँ पे और भी चीजें करनी थी, जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेस्ट में अपना सारा सामान रख दिया फालतू का जो भी मेरे को अभी फिलहाल नहीं चाहिए था। इंपॉर्टेंट तो देखो यहाँ पे सारी चीजें थी एंड यार मेरे को बाद में पता चला कि जो मेरी बोन थी वो कहीं गिर चुकी है। यस, बिल्कुल सही सुना, मेरे को मेरी बोन नहीं मिल रही थी। यार मैं क्या करूं, मैं नीचे भी जाके एक बार देखा। एक बार मैं आपको तुम्हें केव का रास्ता बताता हूँ। यहाँ से देखो आपको जो है नीचे गिरना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ से नीचे करोगे यहाँ पे मेरे को एक पानी की एक्चुअली केव मिल गई थी। मैंने बकेट अभी तक बनाई नहीं है। तो देखो यार जैसे आप नीचे आओगे यहाँ पे आपको एक और केव देखने को मिलेगी। ये केव इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है एंड यहाँ से आप क्या करोगे इस तरफ में नीचे की तरफ आओगे तो आपको यहाँ से बहुत सारी केव निकलने की देखने को मिलती है। इस तरीके से मैं केव के नीचे आया था, मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ। लेकिन हाँ, यहाँ पे मेरे को जो है फिलहाल मेरे को बहुत सारे रिसोर्स मिलते गए। यहाँ पे मैं और भी आगे आया। यहाँ पे मेरे साथ जो आयरन वगैरह ना वो तो मेरे को आसानी से मिल गए थे, लेकिन जब मैं इस तरफ से चला और इस तरफ मैंने टॉर्च वगैरह लगाई तो यहाँ पे मेरे को मेरी काम की चीज मिल गई थी। यस, यहाँ पे मेरे को ट्रेजर मिल गया था जो कि यार बहुत ज्यादा तगड़ा। मेरे को डर लग रहा था अंदर जाने से, मुझे लगा बहुत सारे राक्षस होंगे, लेकिन ना जब मैं अंदर गया तो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा कम थे एंड यहाँ पे बस ज़ॉम्बी और दो स्पाइडर ही थी जिनको मैंने बाद में बहुत ज्यादा हल्के में लिया, लेकिन क्रीपर ने आके औकात दिखा दी। फिर मैं चला गया यहाँ से अंदर की तरफ। मैंने स्पॉनर पे टॉर्च लगाई एंड टॉर्च लगाने के बाद मैंने जो यहाँ की चेस्ट है वो लूट ली। अनजाने में मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे जो है मेरे पास इंचेंटेड एप्पल तो नहीं, यहाँ पे गोल्डन एप्पल आ चुका है, बट मेरे को इस वक्त पता नहीं था। एंड यार बोन खोने में रो रहा था, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतनी सारी बोन मिल गई थी। अब यार 9 बोन हो गई थी मेरे पास, तो यार मतलब डरने की वाली कुछ बात ही नहीं थी। तो बोन का करना क्या था, बोन का एक्चुअली यूज है बोन मील बनाना, और उस बोन मील से मेरे को जल्दी जल्दी जो अपनी सैपलिंग्स है उनको ग्रो करना है ताकि यार मेरे पास वुड जो है बहुत जल्दी तरीके से आ सके। तो इस वक्त मेरे को बहुत सारे डायमंड चाहिए थे क्योंकि मेरा गोल डायमंड आर्मर था। तो मैं केव की और भी ज्यादा गहराई में चलता गया बट इस तरफ मेरे को डायमंड देखने को मिल ही गए एंड ये मेरे लास्ट डायमंड थे। इसके बाद मैं और भी बहुत आगे गया था बट मेरे को एक भी डायमंड नहीं मिले एंड मैं बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा था क्योंकि भाई मेरे को मरना भी नहीं है और मैं रॉड एंड फ्लैश लेके जिंदा था भाई इतनी देर तक। तुम सोच सकते हो मैं ज़ॉम्बी वगैरह को मार रहा था और ज़ॉम्बी वगैरह से मैं इतनी देर तक सरवाइव कर पाया हूं। देन अपना काम खत्म होने के बाद मैं ऊपर की तरफ आ गया। ऊपर की तरफ मैंने अपना जो फार्म है उसको बड़ा करने की कोशिश करी बट यहां पे मेरा जो एक और दिन है वो खत्म हो गया था। डे 10 शुरू हो गया था। डे 10 तक मेरे पास बस 5 डायमंड हुए हैं भाई, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है क्योंकि डे 10 में लोग क्या क्या कर लेते हैं। बट हां, मैंने यहां पे जो स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत नूब वाली हरकतें करी है मुझे पता है, बट यस यहाँ पे जो डे 10 है उसको मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था। सो के डे 10 की शुरुआत हो चुकी थी और इस दिन पूरे दिन बारिश हो रही थी। मैंने अपना सारा बेसिक काम करा, देन मैंने यहाँ पे पेड़ भी काटे और पेड़ अब मेरे पास बहुत ज्यादा ही हो गए थे, यानी कि सैपलिंग्स जो है वो डबल की डबल होते जा रही थी। स्टार्टिंग में मेरे पास बस एक ही पेड़ था और मैंने डर्ट वगैरह से अपने प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा बड़ा करा और सारी की सारी सैपलिंग्स को लगा दिया। फार्म भी थोड़ा मेरा चल ही रहा था एंड मैंने जो बोन मिल में लेकर आया था वो भी मैंने अपने फार्म पे बाद में लगा दी थी और मैं सोच रहा था कि अपने फार्म को थोड़ा एक्सपेंड करूं और क्रीपर के गड्ढे को भी भरने लगा। पता नहीं क्यों मगर इसमें मेरे को बहुत ज्यादा ही टाइम लग गया था एंड मेरा डे 11 कब बीतने वाला था मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया था। पहले मैंने सोचा कि मेरे पास इतनी सारी बोन है तो शायद मेरे पास थोड़ा फार्म जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बट नहीं, मैंने गलत सोचा था क्योंकि 3-4 बोन मिल से एक में हो रहा था। माइनक्राफ्ट में खेती करते वक्त मैं उसके ऊपर जंप नहीं करना होता और मैं वही कर रहा था और मेरे को एक ज़ॉम्बी विलेजर मिला था जिसको मैं क्योर करके एक नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर सकता था ट्रेडिंग के लिए, बट शायद उसे कैप्चर करने के लिए मैं भी थोड़ा सा कमजोर था और इस टाइम पे लड़ते लड़ते मैं 1 एकदम हाफ हार्ट पे बचा हूं और देखो साइड में मेरे स्केलेटन भी था और स्केलेटन से बचते हुए मैं यहां पर आया। यहां पे मैंने डिग डाउन करके अपने आप को एकदम बंद कर लिया था। मैंने सोचा कि मैं यहां रह के अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तो मैंने छोटी सी एक टनल बना ली, सैंड बॉक्स वगैरह कलेक्ट कर लिए। तो मेरे को तभी याद आया कि मेरे पास तो स्ट्रिंग पड़ी हुई है, सो मैंने व्हाइट वूल बना लिया और व्हाइट वूल बनाने के बाद मेरा पहला बेड बन चुका था। मैंने जल्दी से इसको क्राफ्ट करा एंड क्राफ्ट करने के बाद मेरे पास जो लकड़ी वगैरह थी उसको मैंने कर दिया। मेरे पास 22 जो है ओकलॉग हो गए थे एंड यहां पे मैंने अपनी पहली रात को जो है अपने डे 12 के अंदर गुजार लिया। और यहां पे बड़ी अच्छी सुबह तो नहीं हुई,
यहाँ पे फिर से बारिश होना स्टार्ट हो गई थी। एंड मैंने अपने आप को एक और टास्क दिया कि सारे बेसिक काम करके मैं डे 14 तक अपने लिए एक नेदर पोर्टल बना लूंगा। इसलिए मैं चला गया अपने माइनिंग के लिए। माइनिंग करते वक्त मैंने अपने लिए आयरन भी इकट्ठा कर लिया, थोड़ी लैपिस लाजुली भी जो होती है वो उसको कर लिया इकट्ठा। वैसे तुम उसे क्या बोलते हो कमेंट करके मेरे को बताना जरूर। मेरे साथ ये बस ट्रेडरी था अपने इन दोनों घोड़े के साथ, कुछ ऐसे लोग भी थे जो मुझे पसंद नहीं थे और हाँ इनके गड्ढे भी मुझे भरने पड़ रहे थे। फाइनली मैंने इनकी बकेट बना ली आयरन की और मैं चला गया केव में दोबारा से। एंड दोबारा जब मैं गया तो मेरे को एक अच्छी सी जगह मिल गई थी जहाँ पे बहुत सारा लावा था, वरना तो यार कहीं मिल रहा था। एक एक बकेट से यार कुछ फायदा नहीं था, मैंने सोचा कि कोई कुआं मिल जाए वो सही रहेगा। एंड रास्ते मेरे को एंडरमैन भी मिले थे जिनसे कि मैंने कि दो एंडरपल मतलब लेने की कोशिश करी बट एक ही मिल पाई। एंड इस तरफ मेरे को मतलब लावा का मिल गया था, मेरे बिल्कुल साइड में था, मैं पूरा इधर उधर घूम रहा था। बट जहाँ से मैं आता हूँ ये उसी तरफ था और डे 14 आने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि यार अपना जो नेदर पोर्टल है उसे कंप्लीट कर लिया जाए। इग्नाइट तो मैं कर दूंगा आज ही, लेकिन यार पहले बनाना तो शुरू करूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑब्सीडियन वगैरह लगाए भाई, इन ऑब्सीडियन में बहुत सारा मेरा टाइम चला गया, बहुत ज़्यादा धीरे धीरे टूट रहे थे। लेकिन हाँ मेरे पास डायमंड पिकैक्स थी तो मेरा फायदा इससे हो गया। स्टार्टिंग में ही मैंने इसे बना लिया था डायमंड पिकैक्स तो मेरा फायदा हुआ। मैंने सोचा नहीं बनाऊंगा, डायमंड बचा के रखता हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे मेरे लिए गलत हो जाती। बट मैंने यहाँ पे अपना जो पोर्टल है वो कंप्लीट कर ही लिया था। पोर्टल के लिए मैंने एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाया एंड यहाँ पे जो थोड़ा अलग सा भी लग रहा था लकड़ी का, मैंने गलत कर दिया। बट मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है तुम्हें। बिल्कुल भी नहीं था, बाद में थोड़ा बढ़िया लगने लगा था जो कि मैं अभी तुमको दिखाऊंगा। फिर मैं दोबारा माइनिंग के लिए चला गया और मैं रॉटन फ्लैश खा के अपना काम चला रहा था क्योंकि मेरे पास अभी फार्म बिल्कुल भी नहीं था। मेरे को जल्दी जल्दी से फार्म को ग्रो करना था, सीड वगैरह को मेरे को जल्दी से लाना था। बट मैं सोच रहा था स्केल्टन वगैरह से फाइट करूं शेयर, लेकिन मेरे को ये भी डर था कहीं मैं मर ना जाऊं। और मैंने अपने नेदर पोर्टल को भी चालू कर लिया था, ये दिखने में काफी सही लग रहा था। जब मैं इसके अंदर गया तो मेरा स्पॉन पॉइंट एकदम सही था, मेरे को तो काफी सही लगा। यहां से मैंने जो है अपने थोड़ा बहुत आसपास घूमने की कोशिश करी, लेकिन मेरे को डर ये था कि मैं मर ना जाऊं एंड मेरे में अंदर आग लग गई थी। तो मैंने डर के मारे जल्दी से पोर्टल से बाहर आया। मैंने जो किसी और दिन जाएंगे जब हमारे पास कुछ टाइम वगैरह होगा या फिर जब हमारे पास फुल डायमंड आर्मर आ जाएगा। एंड मैंने यहाँ पे अपने बेस को थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करा, यहाँ पे कोशिश करी कि मैं अपने बेस को थोड़ा नॉर्मल करके अपना एक घर बनाने की कोशिश करूँ। मैंने यहाँ पे अपने शुगर केन वगैरह उगाए, थोड़ी सैंड लगा के मैंने अपने अपने जो आइलैंड था उसको प्लेन करने की कोशिश करी। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा डे 16 जो है आने ही वाला था, बट उससे पहले मैंने जो है अपना काम कंप्लीट करके रख दिया था। डे 17 आ चुका था और अभी तक मैंने अपने घर का प्लेटफॉर्म बना लिया था। अभी मेरे को अपना घर तैयार करना था और वुड मेरे पास बहुत ज्यादा कमी थी, लेकिन मैं पेड़ को भी उगाया जा रहा था। हाँ फूड की थोड़ी बहुत दिक्कत थी जो कि आगे जाके सॉर्ट आउट हो गई थी। हाँ तो यहाँ पे मेरे पास पेड़ की अब बिल्कुल भी कमी नहीं हुई थी क्योंकि यार यहाँ पे मेरे पास सैपलिंग्स वगैरह बहुत ही ज्यादा हो गई थी, मैंने बहुत ज्यादा पेड़ ग्रो कर लिए थे। एंड यस मैंने सारे पेड़ काट के अपनी इन्वेंटरी वगैरह में रख लिए थे और मेरे पास 25 ओक लॉक थे और एक स्टैक दो स्टैक तो हो ही गया होगा। पता नहीं मेरी अच्छी चॉइस थी या फिर मेरी बेकार चॉइस, लेकिन हाँ मैंने डीप स्लेट को यूज करा, यहाँ पे पॉलिश वाले जो होते हैं उनको यूज करा अपनी बाउंड्रीज वगैरह बनाने के लिए। शायद बुरा लग रहा था बट कोई नहीं यार देख लो। और भाई मैं पेड़ काट ही जा रहा था मतलब यार, फिर मैंने सोचा माइनिंग के लिए भी चलता है क्योंकि हमें डायमंड आर्मर भी तो कंप्लीट करना है। बट मेरे को याद है भाई खाने की तो अपने पास बहुत ज्यादा तगड़ी वाली कमी है, यानी कि मेरे पास अब सब कुछ हो गया था बट यहाँ पे मेरे पास खाने की कमी थी। और जब मैं गया माइनिंग करने के लिए वहां पे मेरे को 4-5 डायमंड और मिल गए थे। 6 डायमंड लेके मैं लौटा था घर और यहाँ पे केव यार बहुत ज्यादा बड़ी थी। सोच रहा था मेरे को लश केव बायोम वगैरह मिल जाए जहां से मेरे को थोड़ी हेल्प हो जाए, बट नेदर में भी अभी जा रहा था और फोर्ट्रेस भी ढूंढ के लानी थी यार। सोते सोते मेरे को पता चला था यहाँ पे मेरे पीछे बिल्कुल क्रीपर फटा था और मैं बिल्कुल हाफ HP पे बचा था, एकदम मतलब मरते मरते बचाऊ यार। और यहाँ पे मैंने जल्दी से सो के उठ के सुबह उठ के जल्दी से ब्रेड खा ली और डे 17 मेरा स्टार्ट हो गया था। इस डे 17 में मेरे को डे 18 आने से पहले अपने लिए खाने का जुगाड़ करना था जिससे मेरे पास एक अच्छा खासा खाना आ जाए। बट यहाँ मैं इनको शीप को यहाँ पे लेकर आ रहा था, बट दिक्कत ये थी यहाँ पे मैंने डर्ट लगाई थी भाई, डर्ट के अंदर जो ग्रास ब्लॉक होता है वो लाने थे और मेरे पास सिल्क टच थी नहीं। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना एक जुगाड़ लगाया जाए और अपने यहाँ पे एक एक ब्लॉक खींचते हुए ले आऊँ जिसमें मेरे को पता है बहुत टाइम लगने वाला है। बट कोई नहीं यार देखो मैं इनको बीट से जो है इनको फीड वगैरह करवा दूंगा। और तो और कल जो मैं यहाँ पे डायमंड लेकर आया था उसका मेरे को पूरा आर्मर भी कंप्लीट कर रहा है। फिलहाल मैंने अपना यहाँ पे आयरन आर्मर पहन रखा है और मेरे को डायमंड आर्मर में अपना सब कुछ कन्वर्ट करना है। एंड यस मेरे को जो सीड वगैरह फॉर्म है जो अपना फार्म वगैरह वो भी यहाँ पे हटाना है और जो ये सारी मैंने क्राफ्टिंग टेबल वगैरह बाहर रख रखी है इसको मेरे को घर के अंदर डालना है। एंड लेकिन यार मेरे को 2 डायमंड कम पड़ रहे थे, बस 2 डायमंड रह रहे थे यार पूरा डायमंड आर्मर बनाने के लिए, बस जो लैगिंग्स होती है उनमें। और देखो भाई कितने सारे पेड़ हो गए, अभी भी तुम देख सकते हो कितनी सारी सैपलिंग गिरी हुई थी। एंड फाइनली मैं अपना घर का काम कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं अपने ऊपर का भी फ्लोर बना लेता हूँ और साइड का पूरी दीवार जो है वो कंप्लीट हो गई थी। अब मेरे पास वुड की एकदम कुछ मतलब कुछ कमी नहीं थी भाई, वुड का तो एकदम अंबानी बन चुका था मैं। और मैंने जो वुड वगैरह पूरे ऊपर फ्लोर पे लगा दी और मैं सोच रहा था मेरा घर जो है वो थोड़ा अच्छा लगना चाहिए क्योंकि यार मतलब कोई एक चीज तो सही होनी चाहिए यार इस वर्ल्ड में। अब तुम लोग सोच रहे होंगे भाई अभी नेदर क्यों गया था भाई, तो देखो यहाँ पे मैं सो नहीं पा रहा था और ये आपस में लड़े जा रहे थे।
भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात हो गई थी। तो यार मैंने डे 18 स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे अपना बेड अंदर लगाया और अपने घर में अपनी पहली रात डे 18 की सुबह होते ही मेरे को ये कुछ हरकत देखने को मिली, बट मैंने इसको इग्नोर मारा एंड यहाँ पे मैंने अपना घर जो है फिक्स करने की कोशिश करी क्योंकि रात को क्रीपर आ गया था। सुबह उठने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ और वुड को क्राफ्ट करा एंड यहाँ पे प्लैंक्स बनाने के बाद मैंने अपने घर को दोबारा से रिपेयर करा क्योंकि यार यहाँ पे रिपेयर की जरूरत बहुत थी क्योंकि अब मेरा घर कंप्लीट नहीं हुआ था। घर लास्ट में देखते हैं कैसा बनेगा, मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मेरे पास सैपलिंग बहुत ज्यादा हो गई थी जिसको मेरे को लगाने में इतना टाइम लग गया और मैंने सैपलिंग्स लगा दिया। मैं मतलब पेड़ की तो अब कोई कमी नहीं थी यार, बस पेड़ तोड़ो सैपलिंग लगाओ एंड यार एक चीज की कमी थी वो थी डर्ट। डर्ट मेरे को यहाँ पे कम पड़ रही थी इसलिए मैं सोच रहा था कि यार मैं यहाँ पे ओशन वगैरह में जाए क्योंकि ओशन में हो सकता है डर्ट जो है वो बहुत ज्यादा रहती है। अभी मेरा जो एक टास्क है पूरा हो चुका है और मेरे दो अभी रह रहे हैं, एक तो एंडर ड्रैगन को मारना है और एक अभी मैं आपको बताऊंगा, चिंता मत करो यार। तो सबसे पहले मैंने बोन मिल को जो है उसको बोन मिल में बनाया, मतलब बोन को बोन मिल में बनाया और उसके बाद मैंने जाके अपने फार्म में लगा दिया क्योंकि यार मेरे को खाने की कमी थोड़ी बहुत पड़ रही थी और मेरी शीप वगैरह है उनको भी यार ब्रीड कराना था। एंड ऐसे क्रीपर यार हर बार मेरे को फटाया और मैं बार बार बचता हूँ क्रीपर से मरने पे और मैं सोचता हूँ कि यार कहीं मैं मरना चाहूँ। नीचे से मैंने सारी डर्ट निकाल के ये नेदर रैक भर दिए थे और जितनी भी मेरे पास डर्ट मिली थी उसको मैंने साइड में लगाया ताकि मेरी जो डर्ट है वो फैले और कोई ना कोई मॉब्स मोनो। और यहाँ पे मेरा हॉर्स जो है वो तीसरा टास्क रहने वाला था, यानी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बनाया था तो एक हॉर्स लगने वाला है जिसको मैं यार टेम करके अपना पूरा मतलब बनाने वाला हूँ। इसमें एक टेम करके अपना एक हॉर्स रहेगा जिसके मैं भाई बहुत तेज स्पीड वाला एक हॉर्स ले रहा है जिसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। तो मैंने अपने फार्म को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, सीड वगैरह मैंने पूरी लगा दी थी और थोड़ा एक्सपेंड भी कर दिया था उस साइड से इसे। अब मेरी तैयारी हो गई थी नेदर जाने की क्योंकि मेरे को नेदर में जाना था। अब तो यार मैं नेदर में जाने के लिए पूरा अपने आपको प्रिपेयर करा था। सबसे पहले मैंने जो गोल्ड है उसको स्मेल्ट कर लिया और स्मेल्ट करके मैं चला गया गोल्ड वगैरह ढूंढने और यहाँ पे जैसे जैसे मेरे को टाइम मिला था मैं साथ साथ वुड को भी लगा रहा था और सैपलिंग भी तुरंत लगा दे रहा था ताकि भाई मेरे को कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं क्योंकि यार वुड के लिए यहाँ पे मतलब वुड यार सबसे माइनक्राफ्ट में मेन चीज है, तुम्हें स्टार्टिंग में आके इसके सहारे रहना पड़ता है और एंड तक तुम इसके सहारे रहते हो। लेकिन यार मेरे को ब्लॉक्स वगैरह भी चाहिए थे और मेरे को अपना ऊपर एक सेकंड फ्लोर भी बनाना था तो उसके लिए यहाँ पे ठीक रहेगा और हो सकता है विलेजर वगैरह अगर मिले तो यार बहुत ज्यादा तगड़ी वाली बात होगी। इसके बाद मैं चला गया नेदर में। नेदर में जाने के बाद मेरे को साइड में ही फोर्ट्रेस मिल गई, भाई बस 200 ब्लॉक दूर थी। मैं ढूंढ रहा था यार कहीं बेशेंट वगैरह मिल जाए लेकिन वो मेरे को नहीं मिली। जगह मैं मतलब मैं इसमें है ना गोल्ड की तलाश में जा रहा था इधर उधर तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रिज बना लिया जाए क्योंकि मेरे को इस तरफ पिगलिंग्स वगैरह भी बहुत सारे दिख रहे थे। तो मैं इधर गया एंड यहाँ पे मेरे को फोर्ट्रेस मिल गई। कोऑर्डिनेट भी देख सकते हो भाई कितने पास में थी ना ये फोर्ट्रेस। लेकिन यार ये यहाँ पे एक दिक्कत थी कि यार यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था तो मैंने यहाँ पे जो है ब्लॉक्स लगा के एक सीढ़ी सा बना दिया, स्टेयर्स बना दिए एंड यहाँ पे मैं जो है ऊपर चढ़ता गया। बट मैं अभी नहीं जाने वाला था क्योंकि मेरे पास पता है मेरे पास खाने की भी थोड़ी बहुत कमी है और मेरे पास जो आर्मर वगैरह वो भी इतना तगड़ा नहीं है और ऊपर बहुत सारे विदर स्केलेटन थे जिससे मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि विदर स्केलेटन तुम्हें भाई एक एचपी पे छोड़ते हैं, बिल्कुल हाफ एचपी पे छोड़ेंगे लेकिन छोड़ते जरूरत है, इसलिए मैं बच गया। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत फाइट करी ब्लेजेस से क्योंकि ब्लेजेस मेरे को देख के इधर आ गए थे और ऐसे मेरे को अपनी फर्स्ट ब्लेज रॉड मिली और ऐसे ही कर करके मैंने अपनी तीन ब्लेज रॉड कर कलेक्ट कर लिया और इनको जाके मतलब मेरे को करना कुछ नहीं था, बस एंडरमैन ढूंढने थे। एंडरमैन ढूंढने के बाद ऐसे करके मेरे को 12 एंडर पर्ल होती है ना 12-13 बनानी है और बस भाई अपना काम हो जाएगा यहाँ पे, अब हम जा सकते हैं एंड के अंदर। तब मैं आ गया था अपने पोर्टल के पास, यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो मैंने डिक करा था तो मैं इसी में जाने लगा ताकि यार मेरे को कोई नई जगह पता चले और यहाँ पे मेरे को गोल्ड भी मिला था रास्ते में। और रास्ते में एक सीन तो ऐसा हो गया था कि जहाँ पे मैं मरते मरते बचा था बिल्कुल लावा मेरे पास आ गया था और यार एकदम ही कब हुआ मेरे को कुछ पता ही नहीं चला, मैं ब्लॉक भी नहीं लगा पा रहा था बट हाँ मैं बच गया। इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था डैमेज लेकिन मैं बिल्कुल यार मरते मरते कितनी बार हो रहा है सब मेरे साथ। इसके बाद जब मैंने आगे खोदा तो यार यहाँ पे मेरे को एक नई जगह दिख चुकी थी और ये जगह काफी ज्यादा मस्त थी और मेरे पास गोल्ड भी था तो मैं क्यों ना पिगलिंग से ट्रेड कर लूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा गोल्ड भी निकाल लूँ जो इनके आसपास है, इन्हीं का गोल्ड इन्हीं को दे देंगे। पहले वाला टोपी वाला आदमी तो चला गया बट इस वाले पिगलिंग को कुछ इंटरेस्ट आया और इन्हें मेरे से ट्रेड करने की सोची और मैंने यहाँ पे क्वार्ट्ज वगैरह इकट्ठा कर लिए। कमी बस इस जानवर की थी जो कि ये भी आ गया था और इसको भी मार के मैंने साइड करा और हमारे इस भाई ने यहाँ पे मेरे को एंडर पर्ल दे दी थी भाई पहली बार में, यानी मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड करा और मेरे को एंडर पर्ल मिल गई थी। और इस टाइम पे मैंने एक बार के लिए सोचा क्यों ना घर चलाया जाए क्योंकि यार यहाँ पे मेरे पास खाना बिल्कुल ही खत्म हो गया था और 4 एंडर पर्ल भी आ गई थी। लेकिन मैंने कुछ ज्यादा ही लालच करी और यहाँ पे मैंने थोड़े और गोल्ड बना लिए, थोड़े और गोल्ड को जो है वो माइन वाइन करा और मैं नीचे की तरफ चला गया जहाँ पे मेरे को बहुत सारे हॉगलिंग्स दिख रहे थे जिनको मार के मैं फूड इकट्ठा कर सकता था। बट यहाँ पे मैं 2 एचपी पे गिर गया था तो मेरे को लगा कि यार अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे गोल्ड बनाऊँ या फिर मैं क्या करूँ। तो मैंने फटाफट से गोल्ड बनाया, पिगलिंग से ट्रेड करने की सोची यार कुछ दे दे, लेकिन तभी मेरे सामने हॉगलिंग दिखा जिसको मैंने मारने की सोची और मार के मैं उनसे कुछ लेना चाह रहा था और यार मैंने यहाँ पे क्वार्ट्ज ब्लॉक वगैरह भी इकट्ठा कर लिए। एंड यस मैंने जैसे कि कहा था मेरे को हॉगलिंग दिखा, यहाँ पे हॉगलिंग था भाई बड़े प्यार से मर गया, एक एरो बस मारने की जरूरत थी बाकी दूसरा एरो मैंने अपने पास ही रख लिया था। यार ये कैसे मतलब
गया कैसे हुआ, तो वो लावा में मर गया था, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने जल्दी से गोल्ड उठाया और यहाँ पे तो भाई एकदम भीड़ भाड़ थी लग गई थी, जैसे मैंने गोल्ड लेवेगा इतने सारे लोग आ गए ट्रेड करने के लिए। चलो भाई हमारा भी ठीक है, हमारा काम जल्दी से हो जाएगा। बाकी मैंने यहाँ पे फूड वगैरह कलेक्ट करा और भाई ये हॉगलिन, मेरे को पता चला यार ये इनके दुश्मन होते हैं और हॉगलिन जो है वो तीन ब्लॉक तक मार सकते हैं, तो तीन ब्लॉक में दो ब्लॉक मत लगाना भाई, ये तीन ब्लॉक तक अटैक करते हैं, तुम्हें तीन ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। और जैसी बात ये सब हो रही थी बात में, उतने में मैंने देखा मेरे पास यहाँ पे 16 एंडरपल हो गए। मैंने कहा भाई अब नहीं, अब मेरे को ज्यादा लालच नहीं करना, और अगर यार नेदर पे तो मरते ही रहता, और अगर अभी यहीं मर गया तो हो गए तो मेरे भाई 100 डेज यहीं पे। घर आने पे मेरे को पता चला जो पहले एक एंडरमैन मारा था उसकी एंडरपल भी तो बड़ी है, टोटल 17 एंडरपल है जो कि बहुत है एंड तक जाने के लिए। एंड में जाना है बस मेरे को अब एक ही टास्क है, एक विलेजर पकड़ना है, विलेजर से कुछ एंचेंटमेंट वगैरह करनी है जिससे मैं अपने जो आर्मर है उसमें मेंडिंग लगा सकूं ताकि थोड़ी देर तक चल सके। पता नहीं कब यार यहाँ आर्मर धोखा दे जाए। और यहाँ पे मेरे को थोड़े जो पावरफुल करना है अपने आर्मर को, तो यहाँ पे मैंने एक रात गुजारी ताकि मेरे को दिख सके एक, मतलब जो विलेजर होता है ना ज़ॉम्बी वाला, वो दिख सके जिसको मैं क्योर करके ठीक कर सकूं। मैंने पूरी रात यहाँ पे बिता रही, यहाँ पे मैं बोल की तरफ लेके गया, बो से मार रहा था लेकिन यार मेरे पास एरो की कमी थी इसलिए मैं नीचे की तरफ आ गया। हाँ आंडू पांडू लोग मेरे पीछे आ गए तो यार मैंने इनको लड़ाई लगवा दी इनमें, और भाई इनकी लड़ाई देखने में क्या ही मजा आता है ना। तो मतलब माइनक्राफ्ट में सबसे बढ़िया चीज एंडर ड्रैगन को मारने से भी ज्यादा यही चीज देखने में मजा आता है। अरे मैंने ज़ॉम्बी को साइड में हटाया, चलो यार इनका बहुत हो गया, बहुत देर से ड्रामा कर रहे हैं यहाँ पे, तो चलो यार ऊपर चल के एक बार देख लेते क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे, हर कोई विलेजर स्पॉन हुआ। इस रात को तो मैं स्केलेटन से भी नहीं डर रहा था, मैंने यहाँ पे स्केलेटन को भी बहुत दबा दबा के मारा, उनसे बोन मिल ले ली बट इतनी ज्यादा नहीं मिल पाई। एक टाइम यहाँ पे मेरा ऐसा आ गया था जहाँ पे मैं 1 HP पे मरा था जो कि अभी आने वाला है। देखो मैं इधर से सैंड कलेक्ट कर रहा था लेकिन तभी मेरे पीछे एक ज़ॉम्बी बेबी विलेजर आ गया जिसको मैंने फ्लिंट एंड स्टील से जलाने की कोशिश करी, लेकिन तभी मेरे को याद आया भाई यहाँ पे बारिश हो रही है, मुझे लगा ये वहाँ पे फंस गया होगा, अब तो बेटा ये गया, लेकिन नहीं भाई ये तो 2 मिनट में निकल के यहाँ पे बिल्कुल मेरी बैंड बजाने वाला था, बस लास्ट टाइम पे मर गया। और भाई ये मरा कैसे रहा भाई मैं ही जानता हूँ, यहाँ पे मेरी अभी क्या हालत होने थी। मेरे दिमाग में बस अभी यही बात आ रही थी कि अब वीडियो में बोलना पड़ेगा कि भाई बस यहीं पे आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यार, यहाँ पे मैं बच गया और मैंने अपने आपको फुल कवर कर लिया और मैंने सोच लिया भाई ऐसी चीज अभी नहीं करूंगा मैं, और मैं बैड लगा के यहीं सो गया। और फिर तुरंत यहाँ पे सुबह हो गई, मैं खुद खाद के ऊपर आ गया और यहाँ पे यार बड़ी सुबह मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी, एंड यहाँ पे क्रीपर वगैरह ने अपना काम करके जा चुके थे, बट मेरे को यहाँ पे एक ज़ॉम्बी विलेज चाहिए ही था जो कि मेरे को नेक्स्ट मैं सोच रहा था नेक्स्ट रात में मिल जाएगा, या फिर मेरे को केव वगैरह में जाके देखना पड़ेगा यार क्या मेरे को मिल पाएगा यार ज़ॉम्बी विलेजर, या फिर मेरे को ट्रेडिंग वगैरह एन्चेंटमेंट टेबल बनानी पड़ेगी जिसके लिए डायमंड और चाहिए। और मेरा अब सही बताओ तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बहुत देर से यहाँ पे मैं माइनिंग के लिए नहीं गया क्योंकि यार मेरा मन ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे Day 22 आ चुका था, यहाँ पे सारे इसमें सारे बेसिक काम कर रहा था कि यार 100 डेज में तो यार एंडर ड्रैगन को तो बिल्कुल मारना ही मारना था मेरे को, मुझे लग नहीं रहा था मैं कर पाऊंगा क्योंकि यार मैं बहुत ज्यादा नूब भी हूं, यहाँ लिया मैंने अपने जो आइलैंड को है वो थोड़ा बहुत सही कर लिया। और यहाँ पे Day 23 तक मेरे को क्या करना था, यहाँ पे अपने लिए एक ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढना ही था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ मैं आपको अभी बताता हूँ, आपको वीडियो में आगे देख के बड़ा ही अजीब लगेगा। तो मैंने सोचा कि यार बोन मील वगैरह से यहाँ पे जो है मैं अपने लिए सीड वगैरह उगा लूँ, मेरे यहाँ पे काम हो गया था क्योंकि जो बोन मील मेरे को रात में कलेक्ट हुई थी मैंने सुबह सारी वेस्ट कर दी, यानी कि सारी की सारी लगा दी, वेस्ट नहीं बोल सकते यार। और हाँ देखो यार मेरे को ये मतलब जो फसल वगैरह ना ये मेरे को क्यों चाहिए, देखो मेरे तो शीप है, मेरे को काऊ भी लानी है, काऊ के बाद मेरे को चिकन वगैरह भी लाने हैं, मेरे को पता नहीं क्यों मगर ये मेरे को करना है भाई। देखो और यहाँ पे मेरे को एक हॉर्स भी टेम करना है जिसके लिए भी वीट लगेगी, और मेरे को खुद के खाने के लिए भी चाहिए, और जो विलेजर आएंगे यार मेरे मतलब पहले से ही प्लानिंग कर रखी है विलेजर के ब्लीडिंग वगैरह के लिए, यहाँ पे मेरे को वीट वगैरह कलेक्ट करके रखना पड़ेगा जिसके लिए मेरे को यार बोन मील बहुत ज्यादा चाहिए। बट मैं सोच रहा हूँ बोन मील भी ना मिले तो रिक्स में क्यों ना जाए, थोड़ा यहाँ पे टाइम वेस्ट कर ही लेते क्योंकि अभी Day 27 आ गया था, बट मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं करा था, मैं सोच रहा था कि अब मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस करूँ। जब मैं इसे जा रहा था तो तब मेरे को याद आया कि यार मेरी यहाँ पे जो शीप्स थी वो भी यहाँ पे मर चुकी है, यहाँ पे तीसरा दिन आ चुका था मेरा और मैं अभी भी डर रहा था कि कोई मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और यहाँ पे Day 31 होने से पहले मेरे को एक ना एक ज़ॉम्बी विलेजर ढूंढना ही था। जैसे ही रात हुई तो यहाँ पे मैं बाहर निकल के घूमने लगा बट मेरे को ज़ॉम्बी वगैरह के अलावा और कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन तभी मेरे को एक अजीब सी आवाज आती है और मैं बाहर देखता हूँ तो मेरे सामने एक ज़ॉम्बी विलेजर आ चुका होता है जो कि बड़ा अजीब सा होता है। तो मैं इसको अपने घर के अंदर बुलाता हूँ और मैंने सोचा कि ना अपने घर के अंदर से कैद कर लिया जाए क्योंकि यार इतनी मेहनत नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पिछले 2 विलेजर ऐसे ही मर चुके हैं। यहाँ ऊपर छत से कूद के यहाँ पे मैं गेट बंद कर देता हूँ और भाई हो गया कैप्चर बस। और ये सब हरकतें करने के बाद अगर मैं अपनी हेल्थ कम रखता तो यार यहाँ पे मेरा मरना एकदम पक्का हो जाता। तो मैंने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लिया, एकदम 0% रिस्क लेके मैं नेदर के अंदर चला गया जहाँ पे मैंने माइनिंग शुरू कर दी एक नए रास्ते की तरफ जहाँ से मैं ला सकूँ अपना एक नेदर वाट वगैरह, क्योंकि मेरे को नेदर वाट वगैरह चाहिए चाहिए थे क्योंकि यार मेरे को जो है अपने लिए पोशन वगैरह बनाना था, और जो मैंने अभी अभी विलेजर कैप्चर करा है उसको यहाँ पे मेरे को पोशन वगैरह भी पिलाने थे जो
क्योंकि वीकनेस का पोर्शन होता है, देखना पड़ेगा यार कैसे बनता है। और मैं चेक करने चला गया कि कहीं मेरा विलेजर जो है वो डिस्पॉन तो नहीं हो गया, लेकिन नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, वो वहीं पे खड़ा हुआ था, पता नहीं कैसे वो वहीं पे रुका हुआ था, शायद मैं उसकी रेंज में नहीं था। बट जब मैंने यहाँ पे थोड़ी स्केलेटन वगैरह से फाइट करी, पता नहीं यार क्यों आ जाते हैं यहाँ पे, मैं कोशिश यही कर रहा था कि जैसे मैंने अपने लिए चैम्बर बना रखा था लकड़ी का, वैसे मैं उस विलेजर के लिए बना दूं, लेकिन मेरे को बाद में पता चला वो वहां से हिल ही नहीं पा रहा भाई। यार 2 मिनट रुको यार, पहले मैं गेट बंद कर दूं वरना ये मेरे को मारते रहेंगे। तो ये इसी जो लैडर्स हैं इनके अंदर स्टक हो गया, पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं पता, बट मैंने सोचा क्यों ना इससे बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैं इसको पूरा कवर कर देता हूं। लेकिन यार मैं यहां पे एक और दिक्कत हो गई, मेरी जो चेस्ट है वो नहीं खुल रही थी, लेकिन हाँ ब्रूइंग स्टैंड बनाने के लिए मेरे को बस एक ब्लेज रॉड चाहिए थी, और ये हाँ चेस्ट नहीं खुल रही थी। तो देखो चेस्ट नहीं खुलने के कारण था ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को मैंने जल्दी से तोड़ दिया। ब्रूइंग स्टैंड ना बनने का कारण था कि मैंने अपनी सारी ब्लेज रॉड को ब्लेज पाउडर में कन्वर्ट कर दिया, तो मैं चला गया नेदर में। बस नेदर में भाई मेरे को ये सबसे मुश्किल काम रखता है, नेदर की फोर्ट्रेस में जाना, भाई नेदर में कोई सा भी काम करवा लो, लेकिन फोर्ट्रेस में नहीं जाऊंगा भाई, पता नहीं कैसे मेरे वाले फोर्ट्रेस में इतनी भीड़ होती है, वरना मैं बाकी बहुत सारे सर्वर वगैरह वर्ल्ड में भी खेला हूं जिसके अंदर यार इतनी तो भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ इसमें है। रुको मैं इस बार मैं हिम्मत करके ऊपर गया, तो ऊपर भाई कुछ होगा नहीं, इस बार तो मैं भगते हुए सीधा चले जाऊंगा। बट ऊपर देखो यार तुम कितने सारे ब्रीदर भी खड़ा हुआ है, वही स्केलेटन भी खड़ा हुआ है, वही मैं ब्लेजर भी खड़ा हुआ है, पिगलिंग सब एक ही जगह में घुसे हुए हैं। तो मैंने डिसाइड आगे कर दिया था कि मैं यहाँ पे तो इस जगह से नहीं जाने वाला, मैं कोई नया रास्ता खोजूंगा। ये वाला सीन इतना खतरनाक नहीं था, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं मरते मरते बच जाता अगर मैं इनको नहीं देखता तो। यार यहाँ पे ये ब्लेजर मेरे पास आ गए थे वहां से उड़ते उड़ते, जब भाई मैं इनको बुलाता हूँ तब तो याद नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरे को अभी भी ब्लेज रोड की जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना और ब्लेजेस लेके जाए। बट यहाँ पे मेरे को शील्ड नहीं थी मेरे पास, मैंने जल्दी जल्दी से अपने लिए शील्ड क्राफ्ट करी और यहाँ पे जो है मैंने और भी ब्लेजेस कलेक्ट करने की कोशिश करी। और तुम देख रहे हो भाई यहाँ पे अभी कोई भी नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फोर्ट्रेस के ऊपर जाने की कोशिश करूंगा नेदर वॉल्ट लाने की, तो वैसे यार मेरे पे हमला करना शुरू कर देते हैं। मैंने यहाँ पे एक दीवार बनाई थी यार ताकि मेरे को अपने लिए प्रोटेक्शन मिले थोड़ी, लेकिन यहाँ पे ऐसी यार का तो मेरी गेम ने मेरे को धोखा दे दिया, और यहाँ पे मैं 1 HP में बचा हूँ। देखो तुम यार मतलब देख रहे हो यहाँ पे बिल्कुल 1 HP में बचते हो। मैंने कहा अब नहीं भाई, अब तो भागो, अब कुछ भी हो जाए मेरे को यहाँ पे रुकना नहीं है। थोड़ी सी हेल्थ रिकवर करने के बाद मैं फिर से चला गया ब्लेजेस को मारने, और इस बार मेरे को ब्लेज रॉड पक्का मिल गई थी, और यहाँ पे मेरे जो जितनी भी ब्लेज रॉड हुई थी ना मैं इनको लेके चला गया अपने घर की तरफ। बट मैंने सोचा क्यों ना इस बार फोर्ट्रेस पे ऊपर जाया जाए, कोई नया रास्ता ढूंढा जाए, तो मैं चला गया फोर्ट्रेस के दूसरी वाली साइड से, जाकर जहाँ से मैं जाता हूँ ना वहीं से मैं थोड़ा और सीधा चला गया, एंड वहाँ से मैंने अपने लिए एक ब्रिज बना लिया जिससे मैं पार करते अपने फोर्ट्रेस की तरफ चला गया। एंड यस मेरी यहाँ पे रिकॉर्डिंग यार बंद हो गई थी, पता नहीं क्यों। देखो मेरे पास स्टोरेज की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि गेम प्ले बहुत ज़्यादा बड़ा बनते जा रहा है, कम से कम ये 20 GB का तो हो ही गया है, तो 20 GB को यार शॉर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो रहा है। लेकिन यार दिक्कत लेने वाली कोई बात है नहीं, यहाँ पे गेम प्ले एकदम मस्त चल रहा है हमारा, और यहाँ पे जो ब्लेज रॉड है वो मैं लेकर आ चुका हूँ। अब मेरे को बनाना है व्यूइंग स्टैंड, बट यार मेरे को अभी अभी जब मैं यहाँ पे घर पे आया तब मेरे को याद आया भाई नेदर वॉर्ड भी कोई चीज़ होती है जो कि हमें पोशन बनाने के पहले चाहिए होती है, तो भाई मैं इसको कैसे क्योर करूँगा। तो देखने के लिए मेरे को देख लो यहाँ पे एक मेरे को वीकनेस का पोशन बनाना है, नेदर वॉर्ड मेरे को जैसे तैसे लाने हैं यार, मेरे को अब दोबारा नेदर में ही जाना पड़ेगा। जल्दी से मैंने यहाँ पे शुगर केन का काम करके चला गया मैं नेदर की तरफ, मैं चला गया यहाँ पे नेदर में। नेदर में जाने के बाद जो मैंने रास्ता बनाया था मैं ऊपर की तरफ चला गया, और यहाँ पे मेरे को मिले स्केलेटन वगैरह, और यहाँ पे विदर स्केलेटन भाई मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था यहाँ पे। इसके बाद मैं रिक्स लेते हुए ऊपर ही चला गया, और मैंने सोचा क्यों ना आगे देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा, भाई मैं ब्लॉक लगा खुद जाऊंगा, लेकिन यार यहाँ पे ज्यादा लोग थे नहीं यार। लेकिन यार मैंने रिक्स लेते हुए यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली चीज करी, तो खुद ही देखो कितने सारे लोग मेरे को मारने पे लगे हुए हैं, लेकिन मैं ऐसे कूद गया दूसरे वाले ब्रिज पे जहाँ पे मेरे को कोई भी नहीं दिखा था। और इस समय पे यार मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, तो क्योंकि मेरे को लगा था कि यार यहाँ पे आप तो मैं गया, लेकिन यार यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, नेदर वार्ड मेरे सामने ही थे। मैंने जल्दी जल्दी से सारे नेदर वार्ड को कलेक्ट करा, यहाँ तक आते आते मैंने सोचा क्यों ना यार आगे भी चल के देख लिया जाए, मैं आगे गया भी था, लेकिन मेरे को यहाँ पे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि घास वगैरह भी बहुत सारे घूम रहे थे, और मेरे को खासकर यहाँ पे डर था पिगलिंग का। भाई नेदर में अगर तुमने गोल्ड की चीजें नहीं पहनी ना, तो मैं बता रहा हूँ पिगलिंग के अलावा अगर तुम प्रो कोई भी नहीं मार सकता, लेकिन अगर पिगलिंग तुम्हारे पीछे पड़ गए ना तो भाई तुम किसी से बच भी नहीं सकते, अंडी लग तुम आपको एकदम बंद करके नहीं लगते तब तक, क्योंकि यार अगर तुम 3 ब्लॉक भी बना रहे हो वो एरो वैरो वो चला ही देंगे, वो बहुत चाले वो चालू चलाक होते हैं। देखो भाई यहाँ साइड में खड़े यहाँ पे मेरे को कुछ ब्लेजेस मिले जिसको मैंने मारना चाहा, पर मैं ये भाग जा रहे थे भाई, ये उड़ने वाली शक्ति इनकी बहुत गलत है। और एक टाइम तो ऐसे ही आ गया था कि जहाँ पे मैं जो बोल रहा था वही मेरे साथ हो गया, यानी मैं फंस गया था इन पिगलिंग के बीच में। बट यस मैं जैसे तैसे करके तीसरा रास्ता खोदते हुए यहाँ पे गोल्ड कलेक्ट करा और अपने लिए एक फिर से बूट बना लिया। एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे तुम्हें गोल्ड कलेक्ट करने से पहले एक और चीज को अपने माइंड में रखना पड़ता है कि यार यहाँ पे तुम गोल्ड कलेक्ट कर रहे हो तो गोल्ड से भी ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं तुमसे, मतलब यार अगर तुम गोल्ड बना लोगे तब नहीं, जब तुम गोल्ड खोद रहे होगे ना तब यार तब तुम्हें मारने आएंगे बहुत बुरी तरह। सारा काम काज होने के बाद मैं चला गया अपने फोर्ट्रेस की तरफ, यानी मैं घर जाने के लिए तैयार हो चुका था। रास्ते में मेरे को कुछ ब्लेजेस वगैरह मिले, मैंने फिर से अपनी पार्कोर स्किल दिखाई और मैंने फिर से यहाँ पे बहुत तगड़ा वाला रिस्क लिया था, अगर मैं यहाँ से गिर जाता तो अभी सब कुछ खेल खत्म हो जाता। लेकिन तुम्हारे भाई ने अपना दिल अपने हाथ में रखते हुए यहाँ पे बहुत तगड़ी वाली हरकत करी, मैंने सोचा कि ब्लॉक ब्लॉक लगा लूंगा। यहाँ पे मेरे को अपना गड्ढा मिल गया था जो कि मैंने करा था, और यस यहाँ से मेरा रास्ता है घर जाने का, और यहाँ से मैंने यार दूसरा रास्ता बना के बिल्कुल सही काम करा। एंड यार इस स्केलेटन ने मेरे को बहुत परेशान करा है, तुम्हारे खानदान
वाले भाई मेरे को बहुत परेशान करते हैं, मैं बता रहा हूँ इनको एक दिन मार दूंगा। सही घर आने के बाद पता चला कि यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो चुका है, और इसको भी मैंने कैप्चर करने का सोचा, और इसको मैं यहाँ पे एक गड्ढा बनाया और इसके अंदर कैप्चर कर लिया। यार बाकी की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई थी क्योंकि मैंने जब देखा तो वो बंद हो रखी थी, लेकिन हाँ यहाँ पे मैं नेदर वॉर्ड लेकर आ चुका था। और अब मेरे को एक वो वाले जो पोर्शन होता है वो बनाना है, एक वीकनेस का पोर्शन बनाना है, बाकी मेरे पास गोल्डन एप्पल तो रखा ही हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है अपने लिए एक ग्लास बॉटल बना लेता हूँ। ग्लास बॉटल बनने के बाद ये पानी मैं भर रहा था, और ये तभी मेरे साथ एक बढ़िया चीज़ हुई भाई, ये क्या ही हुआ था ना मेरे साथ, यहाँ पे मैं पानी भर रहा था और मैंने ड्राउन को एक हिट खारा भाई, बहुत तगड़े तरीके से लगी होगी उसके सर पे। तो यार देखो ये सारी चीज़ होने के बाद है ना, मैंने अब सोच लिया था कि यार एक ऑकवर्ड पोर्शन तो मैंने बना ही लिया, तो पोर्शन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा। तो भाई एक फर्मेंटेड आइस चाहिए होती है स्पाइडर की, जो कि यार मेरे को नहीं मिल रही थी क्योंकि उसके लिए मशरूम चाहिए थे, लेकिन मशरूम एट दी एंड मैं केव वगैरह से ले आया था क्योंकि हमारी फर्मेंटेड आइस तो बनी गई थी। यहाँ पे हमने जैसे ही इसको डाला तो यहाँ पे जो है पोर्शन ऑफ वीकनेस तैयार हो गया। मुझे याद है यार यहाँ पे स्प्लैश पोर्शन बनाना था, तो मैंने अपना गन पाउडर बाहर ही फेंक रखा था, मैं उसको जल्दी से उठा के लाया कि यार ये क्यों फेंक दिया मैंने। फिर मैंने जब इस गन पाउडर इसके अंदर डाला तो ये बन गया था स्प्लैश पोर्शन, और मैंने इसके ऊपर जल्दी से फेंक दिया और यहाँ पे बन गया हमारा ये विलेजर। अभी बना नहीं बनने वाला है, लेकिन थोड़ी देर हम वेट करके देख लेते हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अब इससे बहुत ज्यादा ट्रेड करने वाला है। तो ये यहाँ पे एक फार्मर था, तो मैंने जल्दी जल्दी से एक लैक्टन बनाया और अपना जो बेड है वो इसके साइड में रख दिया ताकि जल्दी जल्दी से अपना काम करना शुरू कर दे। और यहाँ पे जैसे ही मैंने बेड लगाया इसने अपनी जॉब पकड़ ली, और ये ओ भाई यार मतलब यार जो इनका वर्क जो उनकी वर्कशॉप होती है जिनका जैसे इसका लैक्टन पे काम करता है, तो ये इसके पास में जो भी इसके पास में सब बेड के पास में जो भी सामान होगा ये उसी पे वर्क करेगा। मुझे ये डर लग रहा था कि ये वो पोशन देने वाला आदमी ना बन जाए, बट नहीं ऐसा नहीं हुआ। जो भी मैंने बेड के पास चीज लगाई थी सेम टू सेम ये वही चीज बना, और ये हमारा दूसरा विलेजर भी है जिसको यहाँ पे मैंने क्योर कर दिया था क्योंकि गोल्ड और एप्पल तो था ही मेरे पास। और यहाँ पे जो मैंने पोशन बनाए थे तीन पोशन थे, जो कि एक मेरे पास अभी भी पड़ा ही हुआ है। मैंने जल्दी जल्दी से सारी शुगर केन काट वाट दी, और ये ट्रेडर भी यार अभी भी इतना कुछ खास नहीं दे रहा था। मैं सोच रहा था ये वो वाले ट्रीज दे दे जिससे डर्ट आ जाती है डर्ट। अब मेरा मेन काम था विलेजर को मीट करवाना और उनकी ब्रीडिंग करवाना। अब मेरे को यहाँ पे सबसे पहले अपने लिए विलेजर चाहिए थे क्योंकि यार मेरे को मेंडिंग चाहिए थी, और मेरा जो आर्मर है वो भी यहाँ पे कमजोर होता जा रहा था। ढूंढ रहा था कि मेरे को कोई ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाए जिसको मैं नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर सकूँ, जिससे कि यार मैं उसे ट्रेड वगैरह करके मेंडिंग ले सकूँ, उसको लाइब्रेरी में बना दूँ। बट यहाँ पे मेरी पूरी रात बीत गई, मेरे को ज़ॉम्बी वगैरह के अलावा कुछ नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने एक कैच कर लिया जो कि था एक ज़ॉम्बी विलेजर, जो कि मेरे को बोट में मैंने जिसको पकड़ के रख लिया था, और उसके ऊपर मैंने छस्सी बना दी ताकि ये मरे ना। अब मैंने यहाँ पे थोड़े रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए थे। अब मेरा यहाँ पे साथ साथ एक और काम चल रहा था जो कि था एक्सपी फार्म का। एक्सपी फार्म मैंने बहुत तगड़ा सा ऊपर तक बना लिया था, बट मेरे पर थोड़ी ब्लॉक की कमी पड़ रही थी, वरना इसको मैं बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेता। लेकिन हाँ मैंने ब्लॉक का भी जुगाड़ लगा दिया था, और यहाँ पे भाई मैं कसम से अभी मरते मरते बचाऊँ एक बिल्कुल दो हट पे बचाऊँ, लेकिन इससे ये पता लग गया कि मेरा एक्सपी फार्म बिल्कुल सही काम कर रहा है। डे 35 की सुबह में मैंने यहाँ पे देखा कि कोई विलेजर यहाँ पे फंसा हुआ है जो कि ज़ॉम्बी विलेजर है, और भाई यहाँ पे मैं टर्टल देखने जा रहा था, लेकिन मैंने इसको यहीं पे क्योर करने का सोचा। तो यहाँ पे मैं टर्टल देखने आया था, बट मेरे को ज़ॉम्बी विलेजर मिल गया, एंड यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर था उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया एक नॉर्मल विलेजर में। अब मेरे पास यहाँ पे तीन विलेजर होने वाले थे, और यहाँ पे पांच गोल्डन एप्पल बचे हुए हैं, और वीकनेस का पोर्शन मेरे पास खत्म हो जाएगा। और ये जो ऊपर था विलेजर इसको भी मैंने नीचे लिया है भाई, ये बार बार ऊपर चढ़ जा रहा है और अभी भी सीढ़ियों के पास ही घूम रहा था। डे 35 के एंड तक यहाँ पे मैंने जो है सारी यहाँ पे शुगर केन वगैरह अपनी काट ली थी, और काट के जो है मैं सो गया था। लेकिन मेरे को नेक्स्ट डे इनसे ट्रेड करनी थी जो कि पेपर वगैरह की थी, यार लाइब्रेरी मेरे को एकदम सही दे रहा था क्योंकि मैंने इसको ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करा है, तो उसकी जो ट्रेड है वो सस्ती हो गई थी। मैं सोच रहा था कि यार यहाँ पे अपने दूसरे यानी तीसरे विलेजर को भी निकाल लिया जाए, और यहाँ पे मैं इसको निकाल ही लाता। लेकिन फिर मेरे को इनके आईक्यू का पता लगा कि यार इनका जो आईक्यू है वो कितना कमाल का होता है, तुम खुद ही देखना यार यहाँ पे मैं इनको निकालूंगा, और यहाँ से देखो अभी भी ऊपर आ सकता है बंदा, मैं इसके लिए जगह भी निकाल रहा हूँ। लेकिन नहीं भाई, तुम देख रहे हो उनका आईक्यू। मैंने यहाँ पे फिर से शुगर केन काटना शुरू कर दिया, जो भी शीप स्पॉन हो रही थी मैं उसको मार दे रहा था क्योंकि मेरे को भी बेड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इन सब बातों में मैंने ध्यान नहीं रहा, और मैंने यहाँ पे जो अपना फार्म है उसको कलेक्ट करना भूल गया था, और यहाँ पे जो है मैंने इसको कलेक्ट कर लिया, और मैंने तुरंत की तुरंत यहाँ पे अपनी सारी सीड लगा दी और जाके तुरंत एक और शीप को मार दिया, तुरंत स्पॉन हो गई थी। मैं ब्रेड कलेक्ट करता जा रहा था क्योंकि मुझे पता जब ये विलेजर यार यहाँ पे आ जाएंगे तो बहुत सारी ब्रेड खा जाते हैं, एक एक स्टैक दो दो स्टैक खा जाते हैं एक बार। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो स्टॉक मार्केट वाली भाई ये विलेजर से ट्रेडिंग की बात, यहाँ पे मैंने जो ट्रेडिंग में अपने पेपर्स जो है वो सारे लगा दिए। उसके बदले मेरे को एमरल्ड मिल गए थे, जिसके बदले मैंने पिकेक्स ली, और ये मैं पिकेक्स भाई स्टोन की फालतू में ले रहा था। मेरे को बाद में जाके पता चला भाई ये क्यों ले रहा था मैं, क्योंकि यार यहाँ पे मेरे को जो है एमरल्ड चाहिए थे ताकि मैं ये जो अपना जो देने वाला है ना सामान वगैरह ये मेरे को अच्छे से डायमंड आर्मर दे दे, बट यार यहाँ पे इसकी ट्रेड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मेरे को यहाँ पे एट दी एंड बहुत ही ज्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि मैंने इतनी सारी अपने एमरल्ड जो है वो वेस्ट कर दिए, लेकिन मुझे लगा था ये बाद में ट्रेड अच्छी देगा, लेकिन यार बाद में बहुत ज्यादा खराब दे रहा था। इसलिए
मैंने इसका स्मिथिंग टेबल तोड़ दिया और इसको जो है मतलब अलग से करा ताकि मेरे को नई ट्रेड दे। और फाइनली यहाँ पे डे 40 भी खत्म हो चुका था, लेकिन भाई सही में जो हमारा ये तीसरा वाला विलेजर था ना बहुत सही ट्रेड दे रहा था भाई। इस विलेजर को पता नहीं क्यों सीढ़ी पे मजा आता है। और अपने केव के रास्ते में यहाँ पे मैंने एक घटा खोदा था और यहाँ से मैं कबल स्टोन वगैरह कलेक्ट कर रहा था अपने एक्सपी फार्म के लिए। और यहाँ पे मैंने सोचा नेदर वॉर्ड भी लगा देंगे बाद में। थोड़ा मैं केव में दोबारा चला गया था डायमंड कलेक्ट करने के लिए, बट मैंने देखा कि मैंने यहाँ के सारे डायमंड और सारी केव एक्सप्लोर कर लिया। जो यहाँ पे एक बची थी जो कि मैं बता रहा था आपको पहले, वो भी यहाँ पे भाई खत्म होते ही मतलब शुरू होते ही खत्म हो गई। यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन थे जो कि मैंने कलेक्ट कर लिए थे। आयरन की भाई अब कोई भी कमी नहीं थी, एक स्टैक आयरन मेरे पास हो चुका था। रास्ते में वापस आते वक्त मैंने जो अपना कोल भी माइन कर लिया था, क्योंकि यार कोल के बदले मेरे को ट्रेड करना था कुछ डायमंड या कुछ एमरल्ड दे रहा था। और फाइनली यहाँ पे मेरे को एक लास्ट चीप भी मिल गई। अब मेरे पास 3 वूल हो गए थे और 3 वूल लेके यार मैं यहाँ पे एक नया बेड बनाने चला गया। बेड बनाते ही मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे विलेजर के लिए अब 2 बेड तो हो गए थे और मेरे को 2 बेड अब और चाहिए थे मिनिमम। और ये विलेजर पता नहीं क्यों बार बार ऊपर आ जा रहा था, इसको फिर दोबारा नीचे उतारा। डे 42 की शुरुआत होते ही मैंने सोचा कि यार डे खत्म होने से पहले मेरे को जो ओशन है उसको पार करते हुए जाना है अपने जो ट्रेजर मैप था, मैं उसको लेके चला गया जो कि मेरे को स्टार्टिंग में मिला था। और उसको लेते लेते मैं चला गया, मेरे को नीचे मतलब ओशन में बहुत सारी चीजें दिख रही थी बट उसको इग्नोर करते हुए मैं आखिरकार पहुंच गया एक ऐसी जगह पे जहां पे फाइनली मेरे को जमीन दिखी और आइलैंड दिखा, जो कि यार आइलैंड ही था, मतलब इतना ज्यादा कुछ बड़ा भी नहीं था। मैंने ऐसे जो थोड़ी बहुत डर्ट कलेक्ट करी और डर्ट कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो मेरा ट्रेजर था उसको लेके बस मैं वापस आने वाला था। यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत फ्लावर भी तोड़ दिए थे, जो मैंने सारी सैंड हटाना शुरू कर दिया। मेरे को ये यकीन था कि मेरे को ट्रेजर में कुछ अच्छा मिलेगा यार, कि यार कुछ बढ़िया मिलेगा। और भाई हुआ भी ऐसा ही, तुम देखो यार आगे यहाँ ये चीज मिली मेरे को ट्रेजर में, हाँ बस एक डायमंड मिला। तो ये सारा मैं अपना जो खजाना है वो लेके चला गया और मैं घर की तरफ जो है बढ़ने लगा। और घर आके मेरे को पता चला कि यहाँ पे बारिश हो रही थी और जो ज़ॉम्बी है वो मेरे विलेजर के साथ छेड़खानी कर रहे थे। और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी वाली चीज हो गई थी यहाँ पे, बिल्कुल मतलब अपने विलेजर को बचाने के लिए मैंने भाई कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन मेरी हेल्थ जो थी वो फुल थी। मेरे 2 विलेजर बच गए थे और मैं तीसरे वाले को ढूंढने जा रहा था, लेकिन तीसरा वाला यहाँ पे था। भाई भाई तू क्या मजे ले रहा है, तेरे को पता है यहाँ पे बारिश हो रही है, ज़ॉम्बी वगैरह। मैं जो है बस इनसे ट्रेड करा जा रहा था ताकि इनका लेवल बढ़े और ये मेरे को कुछ अच्छा सामान दे, लेकिन यार भी अच्छे के अलावा और भी मेरे को बुरा देते जा रहे थे। मैंने बुक शेल्फ से जो है बुक कलेक्ट कर रहा था और बुक के बदले इनसे ट्रेड वगैरह कर रहा था। जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे जो तीसरा वाला विलेजर है बहुत तगड़ी ट्रेड दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्मिथ 3 दे रहा था ये बहुत ज्यादा कम रेट पे, तो मैंने इससे ले ली थी स्मिथ 3। और मैंने 3 बुक लेके रख ली थी ताकि मेरे को आगे काम आए, मेरे को अब एनविल बनाना था बस। और यहाँ से मैंने जो सारे अपने शुगर केन है उसे भी कलेक्ट कर लिया था ताकि मैं जो है अपने विलेजर से ट्रेड कर पाऊँ, उनके पेपर के बदले से दे पाऊँ। भाई यहाँ पे तू क्या कर रहा है, तुझे पता भी है यार, तू ऐसे रात को घूमा मत कर, मैं बता रहा हूँ। हटो भाई, तुम्हारे सोने से कुछ नहीं होगा, मेरे सोने से दिन हो जाता है। कोई नहीं दोस्तों, चिंता मत करो, इस बेड की कमी को भी दूर करेंगे। फिलहाल इससे थोड़ी बहुत ट्रेड कर लेते हैं यार, पेपर के बदले बंदा 1 एमराल्ड देता है। अब मेरे को यहाँ पे एक चीज करनी थी कि जो मेरा यहाँ पे बढ़िया वाला जिसको मैंने एकदम, या भाई कितनी तेज भग रहा है, भाई देख रहे हो तुम कितनी तेज भग रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। अभी मैं अपने घर से बाहर निकला ही था तभी मैंने देखा यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी वाली चीज हो रही थी। मेरा जो यहाँ पे बढ़िया विलेजर है वो मर चुका था। और भाई ये चीज़ देख के मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, क्योंकि यार यहाँ पे इन ज़ॉम्बियों ने मेरा विलेजर जो है वो मार दिया था। मैं सोच रहा था अगर वो ज़ॉम्बी विलेजर में भी कन्वर्ट हो जाता तो मैं उसको दोबारा से ठीक कर देता, क्योंकि मेरे पास अभी सामान था, मैं तुरंत ठीक कर देता, बट वो डायरेक्ट मर गया था। और ये चीज़ मैंने अपने आंखों के सामने होते हुए देखी। मेरे को डर तो तब तक लगा जब तक मैं घर वापस आया, तो यहाँ पे 3-4 विलेजर यहाँ पे और मेरे जो है ज़ॉम्बी वगैरह आ गए थे और यहाँ पे विलेजर को मारना शुरू कर दिए थे। खासकर ड्रोन जो है वो अंदर की तरफ आ गया था, यार गलती मेरी थी, मैंने गेट यहाँ पे खोल दिया था। और फिलहाल मैंने इन सबको यहाँ पे निपटाया और अपने ये सोच रहा था कि जो 2 विलेजर हैं वो बच जाए, 3 में से 1 चला गया। कोई नहीं भाई, ये 2 के 2 तो बचने ही चाहिए। भाई मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप मार के अपने बेड पे सो गया। सुबह उठ के जितने भी यहाँ पे ज़ॉम्बी थे उन सबको मारा और मैंने जल्दी से अपने फटाक से विलेजर चेक करे, भाई वो तो यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने अपना जो एक्सपी फार्म वगैरह है उसको कंप्लीट कर ही लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे डे 50 मेरा जो है शुरू हो चुका था, यहाँ पे मेरे आधे दिन जो है वो खत्म हो चुके थे। डे 50 तक आने तक यहाँ पे मैंने अपने डायमंड आर्मर है उसको भी पूरा का पूरा रिपेयर कर लिया था। तब मेरे को याद आया कि मेरे पास जितने भी नीचे डायमंड है, मतलब इस आइलैंड के नीचे जितने भी डायमंड है वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। और ये क्रीपर भाई, यार ये क्रीपर यार तुम देखो यार नीचे एक बार, भाई सारा सामान मेरा इधर उधर हो गया और लावा बकेट और लेके चल रहा हूँ मैं। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, तुम्हें तो बस 2 मिनट रहेगा इसे देखने में, आधा घंटा तो मेरा बर्बाद जाएगा। हाँ तो करीब करीब 5 मिनट पानी में बर्बाद करने के बाद यहाँ पे जो है मैंने अपना सारा कुछ सामान इधर उधर सेट करके रख दिया था। और एट द एंड यार मेरे पास बहुत सारी सैपलिंग्स भी हो गई थी और मेरे को एक और अंदाजा हो गया अपने सामानों का। हाँ तो मैं बात कर रहा था इन 2 विलेजर की, इसमें से ये वाले विलेजर मेरे को बिल्कुल सेम बुक दे रहा है वो भी 1 लेवल की, और इधर वाला विलेजर मेरे को सेम बुक दे रहा है वो भी 4 लेवल की। अब तुम ही बताओ यार मैं क्या करूँ, यहाँ पे एक जो है बहुत ज्यादा तगड़ी वाली बुक दे रहा है, मतलब सेम चीज हो गई है, कोई मेंडिंग यार देने को राजी नहीं है। अगर मेरे को
को एक बार मेंडिंग मिल गई ना, सही में मैं फिर इन विलेजर से मेरे को और कुछ लेना ही नहीं है। तो मैंने इन विलेजर में बहुत सारा अपना टाइम लगा दिया और मैं सोच रहा था इनमें से कोई ना कोई मेरे को मेंडिंग जरूर देगा। मैंने इनका बार बार तोड़ा और बार बार इनका जो वर्क स्टेशन है उसको लगाया, लेकिन किसी ने भी मेरे को मेंडिंग नहीं दी। मैंने इनको यहाँ पे ब्रेड दी ताकि यार ये यहाँ पे ब्रीडिंग कर पाए। यहाँ पे मैं अपना पूरा करने वाला हूँ एक्सपी फार्म, क्योंकि एक्सपी फार्म में मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। तो एक्सपी फार्म जो है अपना जल्दी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। भाई ये एक बार बन गया, इससे एक्सपी मेरे को मिलेगी, उसको मैं यूज करूंगा अपनी एन्चेंटमेंट टेबल पे, क्योंकि मेरे पास दो डायमंड रखे हुए हैं, बस मेरे को ऑब्सीडियन चाहिए। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई ये एकदम नीचे कैसे आ गया, तो देखो मेरे को यहाँ पे जो ट्रैप डोर्स होते हैं उनको लाना था, तो उनके लिए मेरे को जो है वुड चाहिए थी और यहाँ पे क्रीपर फट गया यार। साथ में मेरे को पता नहीं क्रीपर से अब बहुत ज्यादा नफरत होती जा रही है, मतलब क्रीपर में कहीं पे भी आ जा रहा है क्रीपर, और ट्रैप डोर इकट्ठा होने के बाद मेरे को ऊपर जाके लगा रहा है उन्हें एक्सपी फार्म में। फिलहाल मैं इनका जो गड्ढा है वो भरूंगा, अब मैं पूरा नहीं भर रहा भाई, जो होना है देखा जाएगा, लेकिन छोड़ो जाने दो। मेरे को यहाँ पे जो है पूरे के पूरे पेड़ साफ करने पड़ेंगे। पेड़ साफ करने के बाद मैं अपने घर आ रहा था, भाई बस ये कहाँ से आ गया पिगलिंग, भाई मेरा नेदर तो बाहर है तू अंदर क्या कर रहा है। कोई नहीं भाई, इससे पंगे ले लेते हैं भाई, अपने वर्ल्ड में कोई तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसके वर्ल्ड में अगर तुमने इससे पंगे ले लिया ना भाई, बंदे बुला के ले आता है अपने। अब मेरे पास देखो इतनी सारी सैपलिंग हो गई थी और मेरे पास को पेड़ की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ओक वुड लॉग मतलब बहुत सारी हो गई थी। तो मैंने पता नहीं क्या सोचा मेरे मन में, यानी कि मतलब ही हुआ जो मैं ऐसे उनको ऐसे लगाने लगा, और भाई ऐसे कर लगाना ठीक भी है, मैं शायद स्टार्टिंग से ऐसे लगा लेता, लेकिन यार देखो इसको तोड़ने में ना अब आसानी होगी अगर ये उग भी जाता है। मुझे लगता नहीं है उगेंगे, बाकी आपको क्या लगता है ये उगेंगे कि नहीं मेरे को कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल अब मैं आ गया था अपने एक्सपी फार्म में, और एक्सपी फार्म मेरे को जो है अब कंप्लीट करके जाना था। मैंने सोचा था भाई अब चाहे रात दिन क्यों ना हो जाए मैं इस फार्म को मतलब कंप्लीट करके जाऊंगा यार। डे 51 आ चुका है, यहाँ पे मेरा अभी तक एक्सपी फार्म नहीं बना भाई, मेरे पास बस 50 दिन और है यार, मैं क्या ही करूंगा इसमें। जैसे तुमने देखा यार यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड में अपना जो एक्सपी फार्म है उसको कंप्लीट कर ही लेता हूँ। अंदर की तरफ एकदम अंधेरा और जो टॉर्चेस वगैरह है वो मैं ऊपर की साइड में लगा देता हूँ, तो हमारा एक्सपी फार्म जो है वो बिल्कुल ही बन चुका है। तो यहाँ पे मैंने जो है अलग अलग ब्लॉक्स का यूज करा है, पता नहीं चलेगा भी कि नहीं, मेरे ख्याल से चल जाना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक्स पे कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, बस जहाँ पे स्पॉन होते हैं वहाँ पे मैंने तो कबलस्टोन लगा रखे हैं, बाकी यहाँ टॉर्चेस लगा देता हूँ वहाँ अगल बगल, बाकी जो नीचे केव है उनमें तो टॉर्चेस लगी हुई है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि यार यहाँ पे स्पॉन होने वाले हैं, क्योंकि जहाँ पे इसके नीचे केव वगैरह जितनी भी है हर जगह मैं टॉर्चेस लगा के आया हूँ। हो सकता है कि पानी से दिक्कत हो, बट यार पानी से दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगर पानी से दिक्कत होगी तो हम यहाँ पे भी मतलब जो टॉर्च वगैरह सीपिकल्स आते हैं शायद से तो वो भी हम लगा ही देंगे। बाकी यस देखते हैं कल सुबह उठ के कि यहाँ पे कितने ज़ॉम्बी वगैरह स्पॉन होते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, यहाँ पे चलते हैं हम अपने एक्सपी फार्म की तरफ। यहाँ पे जो है भाई भीड़ लगी पड़ी है, भाई ये सब क्या हो रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, और रुको दो मिनट, अरे मैं बंद करना, मैं नीचे का तो बना है यार, मैं रात को ही नीचे बनाने का चाहिए था, और दो मिनट रुको मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, बस दो मिनट दो यार। सबसे पहले हम यहाँ पे भी अपने घर के ऊपर टॉर्च लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे रातों को आवाज़ें रात को मतलब आवाज़ें वगैरह आती है, डर लगता है मेरे को, इसलिए यहाँ पे भी टॉर्च लगाते हैं ताकि कोई समन वगैरह ना हो यार। और अभी विच ने मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा वाला डैमेज दिया था, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूँ भाई, क्यों लेता हूँ मैं इतने रिस्क यार, मेरे को नहीं लेने चाहिए इतने रिस्क। लेकिन हाँ अभी देखो गन्ने वगैरह विच वहाँ पे है, हेलो भाई देखो मेरे गेट के पीछे विच, रुको 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 भाई देखो थोड़ी देर बाद मैं आता हूँ, रुको अभी तुम विच मेरे को, मैं तो मतलब आता हूँ यार दो मिनट रुको। तो मैं अपने हेल्थ बढ़ाने के चक्कर में यहाँ पे शुगर केन वगैरह काटने लगा, और शुगर केन काटने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी अब, और मैंने सोच रहा था कि यार मैं और भी ज़्यादा शुगर केन उगानी चाहिए, इसलिए मैंने एक नया गड्ढा खोदा, इसके अंदर मैंने नई शुगर केन लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी हेल्थ बढ़ गई थी उसके बाद भाई कौन बोल रहा है, अब बताओ यार अब तुम आ जाओ भाई, ये विच भाई इनने मेरे को बहुत परेशान करके रखा, जब भी मैं आ रहा था भाई मेरे को एक बार 1 HP पे छोड़ती है, बिल्कुल पोषण मार देती है, खत्म भाई। तो इस वक्त मेरे एक्सपी फार्म पे बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से जॉम्बी वगैरह समन हो रहे थे, लेकिन यार एक दिक्कत आ रही थी कि यार नीचे का जो मेरे को बनाना था उसके लिए मैंने हॉपर वगैरह को जो है बनाना शुरू करा, और यार इसमें भी मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो लोग समन हो जा रहे थे, मैं भाई कैसे लगाता। मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे आयरन वगैरह स्मेल्ट करे, और यहाँ पे चेस्ट भी मैंने जल्दी से क्राफ्ट कर लिया और लगा दिया यहाँ पे मैंने हॉपर। तो यहाँ पे डे 55 शुरू हो चुका था, और यहाँ पे जितनी मेरे को बोन मील मिली थी मैंने सबकी सब शुगर केन में लगा दी, क्योंकि मेरे को ट्रेड करना था यहाँ पे, और मेंडिंग के लिए भी भाई मैं थोड़ी बहुत मेहनत अभी करूंगा, बट उससे पहले एक्सपी फार्म पे देखते हैं कि हमारा एक्सपी फार्म अब कैसा चल रहा है। मगर उन सब चीजों से पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि हमारे विलेजर भी कुछ खाए पी रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इनको ब्रेड वगैरह दे देता हूँ और इनसे ट्रेडिंग वगैरह भी मैं कर लेता हूं। तो यहाँ पे जब कद मैं था तो मैंने देखा यहाँ पे इन्होंने फाइनली यहाँ पे ब्रीडिंग कर दिया, और यहाँ पे एक छोटू आ चुका है, तो भाई यहाँ पे अभी इसको जल्दी से हमको बड़ा करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको यार लाइब्रेरियन बनाना है, क्योंकि मेंडिंग भाई देखो हमको चाहिए, अभी तक मेंडिंग जो है हमको मिली नहीं है, और यहाँ पे अब टाइम आ चुका था बिल्कुल सेफ अब खेलने का, बिल्कुल भी अब रिस्क लेने का नहीं है मेरे को यार। यहाँ पे अपना एक्सपी फार्म की टेस्ट करते हैं, जैसे ही मैं एक्सपी फार्म टेस्ट करने के बाद यहाँ पे तो बिल्कुल ही भीड़ भाड़ लगी हुई थी। अभी देखो भाई 34 XP है मेरी, और मैं बता दूं जब XP 30 से ऊपर हो जाती है तो XP बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, यानी 40-50 के आसपास जब जाती है तो बहुत धीरे धीरे बहुत स्लो जाके बढ़ती है, लेकिन देखो यहाँ पे इतनी तेज स्पीड से अभी भी बढ़ रही है ना, सोचो अगर ये 30 से कम होती तब यार यहाँ पे ये कितनी जल्दी जल्दी बढ़ती, और भाई ये बिल्कुल एकदम मस्त से काम कर रहा है भाई। इसका यहाँ पे मेन रीजन है क्योंकि यार यहाँ पे एकदम आइलैंड है, यहाँ पे कोई भी दूसरी जगह नहीं है स्पॉन होने की, तो इसलिए मतलब XP फार्म में सारे के सारे स्पॉन हो रहे हैं। अभी
मैंने अपने वर्ल्ड में बहुत कुछ कर लिया है, यहाँ पे मैंने अलग अलग चीजें कर दी है, और मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ एक आइलैंड था, बट अब ये बहुत ज्यादा तगड़ा लग रहा है देखने में। अगर तुम्हें ये पसंद आता तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आ जाऊंगा, जिसके अंदर हम फाइनली एंडर ड्रैगन को मार देंगे। भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी एंड यार बहुत ज्यादा लंबी भी हो गई थी, तो जिसकी वजह से मेरे को इसको डालना पड़ा। और अगर तुम्हें ऐसी वीडियो अच्छी लग रही है ना तो तुम मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं और भी ऐसी बहुत सारी तगड़ी तगड़ी वीडियो लेकर आऊंगा तुम्हारे लिए। बट यस, अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज जरूर से लाइक कर देना, अगर चैनल पर है तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।